दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बादशाह प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास लोकेशन पर आए हैं जो कि सेक्टर 125 मोहाली के अंदर है। और आज की लोकेशन खास इसलिए भी है कि आज की जो लोकेशन है उसके बिल्कुल ठीक सामने हमारे पास एक पार्क है, मार्केट आपके बिल्कुल सामने है, मंदिर आपका सामने है, गुरुद्वारा साहब सामने है। तो आपकी ये आज की जो लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आपको हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिलेगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा घर रहेगा 30 फ्रंट का रहेगा और 60 इसकी डेप्थ रहेगी, 200 गज के अंदर हमारा घर रहेगा, डबल स्टोरी, उसके साथ मोमटी आपको मिलेगी, खूबसूरती आपकी सामने है, पॉश एरिया के अंदर एक वाकई बड़ा शानदार सा घर। दोस्तों एरिया में जितने घर हैं आसपास वो सारे तकरीबन बन चुके हैं, बहुत ही एक आध शायद पे कहीं कोई प्लॉट हो जो बचा हो, उसके अलावा जितने घर हैं वो सारे बन चुके हैं। और जो पार्क हमारा सामने है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, बच्चे यहाँ पर शाम को आपको खेलते हुए नज़र आ जाते हैं, लोग वॉकिंग करते हुए नज़र आ जाते हैं। एक डेवलप्ड एरिया है, तो डेवलप्ड एरिया का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं वो सारे एक्टिव हैं। आपको यहाँ आसपास जितना भी है रोड्स आपको साफ मिलेंगी, कोई ख़राब रोड नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जो हमारा आज का घर रहेगा बिल्कुल फ्रंट इसका जो है टाइल कॉन्सेप्ट है और एक बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के साथ हमारा आज का घर रहेगा। मेन एंट्रेंस डोर जो हमारा रहेगा बिल्कुल आयरन का रहेगा और डबल डोर है, बीच में आपको जो वुडन पैटर्न इसके अंदर मिलेगा। और जैसे हम इसका मेन एंट्रेंस डोर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सी पार्किंग आ जाती है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो दो हैचबैक यहाँ पर आराम से लग सकती हैं साइड बाय साइड। जी हाँ, और अगर आपके पास सेडान है जैसे होंडा सिटी या वरना, वो थोड़ी सी ज़्यादा वाइड होती है तो उस पर कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं फिर बता दूं आपको जो इसकी पार्किंग रहेगी वो आपकी 15x16 की आपकी पार्किंग रहेगी, तो काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। पार्किंग में नीचे जितना भी एरिया है सारा आपका जो ग्रेनाइट के साथ रहेगा और डिज़ाइन है बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। और अगर मैं बिल्कुल इस तरफ देखता हूँ आपका तो सारा का सारा जो है आपका टफन ग्लास लगा है, एक खिड़की के ऊपर फ्रेम बनाया गया बहुत ही अच्छा, बीच में आपको ग्रिल मिल जाती है, जो हमारे दोस्त हैं जिनको लगता है कि सिक्योरिटी इश्यूज टफन के साथ, तो यहाँ पर उनके लिए ग्रिल बिल्कुल साथ में मौजूद है। छोटा सा हमारे पास लॉन आ जाएगा यहाँ पर घर के अंदर ही। और ठीक, अगर हम यहाँ से देखते हैं हमारे घर का फ्रंट तो एक डिफरेंट सा डिज़ाइन आपको नज़र आता है, और यहाँ से पता लगता है कि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ख़ास और शानदार। दोस्तों बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल सामने से आपको दिखाएंगे, तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों जैसे पार्किंग पे थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं तो हमारे पास इस तरफ एक टाइल्स के साथ एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर नज़र आता है, अच्छी क्वालिटी वाली जो चीज़ें आपको यहीं पर समझ आ जाएगा पूरे घर के अंदर बहुत ही क्वालिटी वर्क किया गया है। और अगर मैं ऊपर सीलिंग दिखाऊं आपको पार्किंग के ऊपर ही तो वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ दिया गई है, पूरा वुडन के साथ एक अच्छी चीज़। ठीक इस तरफ आपकी जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी, आपका ग्रेनाइट की स्टेयर्स रहेंगी, बिल्कुल नीचे आपके जो रहेगा आपके स्टोरेज रहेगी थोड़ी सी, जहाँ पर आपका जो है सिलेंडर्स आप रख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि वाकई बड़ा खूबसूरत सा है, एक हैवी डोर है, टीक वुड है, तो आपका वायर मैच डोर रहेगी, साथ में आपका ग्लास फिनिश रहेगी और एक बड़ा सा हैंडल। जी हाँ, और इस तरफ हमारा जो मेन एंट्रेंस डोर रहेगा बिल्कुल डिज़ाइनर डोर है। आप देखिए 8 फीट की हाइट है, 3.5 से थोड़ा ज़्यादा वाइड था इसकी, और डिज़ाइन आप देखिए अगर आप टच करते तो इसको समझ आता है कि यार वाकई बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको पॉलिश किया गया है, पूरे डिज़ाइंस दिए गए हैं, आपका प्लेन या सिंपल दरवाज़ा नहीं है। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास एक खूबसूरत सा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। जी हाँ, पूरा एल शेप के अंदर रहेगा और एक बहुत ही बढ़िया सा ड्राइंग एरिया। दोस्तों सर हमारा डाइनिंग है तो पहले मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। ड्राइंग में आपको जो है हल्की सी पार्टीशन कर दी गई है ताकि आपकी जो लुक है थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। हमारा इस तरफ पिलर था जिसको हमने कवर करके उसके ऊपर
जो है वुडन प्लाई उसको लगा अप्लाई कर किया हुआ है और एक अच्छा डिज़ाइन आपको दिया है। आप इसे इसके अंदर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, अदरवाइज ये वैसे भी इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी है। और ठीक इसके इस तरफ जो है हमारा ड्राइंग एरिया, बहुत ही खास शानदार सा 14 फीट का ड्राइंग एरिया आपका बड़ा सा। नीचे दोस्तों जितनी भी हमारे टाइल्स रहेंगे सारी वेट्रीफाइड डबल चार टाइल रहेंगे और देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे इटालियन मार्बल की लुक होती है। तो एक बड़ा अच्छा प्रीमियम सी लुक जो है आपको पूरे घर के अंदर यहाँ पर मिलेगी आज। ठीक मेरे पीछे एक एल शेप की विंडो है जहाँ से आपका बाहर का व्यू है, जो पार्क व्यू वो बहुत ही खूबसूरत सा आता है। आप ये लगा लीजिए अगर आपके गेस्ट यहाँ पर आएंगे और आके यहाँ से खिड़की से थोड़ा सी देर बाहर देखते हैं तो यार वाकई आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। वैसे एक घर वाकई एक कॉम्प्लीमेंट के लायक है जहाँ पर आपके हर चीज़ आसपास हो, एक शांत एरिया हो, एक अच्छा सा डिज़ाइन हो, तो यार कोई गेस्ट आए और कॉम्प्लीमेंट के बिना कैसे जाए। दोस्तों ये जो वॉल मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अभी इनकम्प्लीट है, आपको बता दूँ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपका आ जाएगा। सीलिंग पर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है हमारा यहाँ पर। और आप ये लगा लिए कि जितनी स्पेस हमारे पास इस ड्राइंग एरिया के अंदर है हम इजीली यहाँ पर अपना जो है 9 सीटर लगा सकते हैं। 9 से ज़्यादा भी आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस हमारे पास काफ़ी अच्छी है, स्पेस की कमी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगी। 15x14 का अगर हमें ड्राइंग एरिया मिले तो यार वाकई बहुत अच्छी बात होती है। और ठीक दोस्तों इसके सामने थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आया था हमारा डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया की बात करें तो यार वाकई बहुत ही अच्छी चीज़, लेंथ इसकी पूरी की पूरी रहेगी ये छोर से उस छोर तक जो कि आपकी 29 रहेगी, और इसके अलावा अगर इसकी विड्थ की बात करता हूँ वो 13 आपकी रहती है। तो इजीली अगर मैं यहाँ पर अपना एक 6 सीटर लगाना चाहता हूँ तो आप बड़े आराम से लगेगा बिना फंसे हुए। और ठीक मेरे इस टेबल के सामने आपका जो आएगा टीवी पैनल आ जाएगा, वो विद स्टोरेज, आपके नीचे ऊपर साइड में काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। उसके अलावा एक छोटी सी स्टोरेज हमने यहाँ रखी है, तो यहाँ पर जो है आपका इन्वर्टर या पावर बैकअप इजीली आ सकता है। और ठीक इसके ऊपर देखें अगर आपको तो वुडन पैटर्न आपको पूरा मिलेगा, तो मतलब कि पूरे घर के अंदर जो है ना हम आपको लग्जरी का एहसास इसके घर में पूरा देंगे हर कोने में हर जगह पर। और ठीक आपके डाइनिंग एरिया में आपको एक वॉश बेसिन मिल जाता है और बड़ा अच्छा सा वॉश बेसिन है, देखिए बिल्कुल डिजाइनर है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया, ऊपर से लैंप्स है, लाइट पूरी नीचे आती है, यहाँ पर आपका ग्लास लग जाएगा लुकिंग मिरर, तो उसके बाद जो इसकी लुक होगी वो और ज़बरदस्त हो जाएगी। स्टोरेज हमारे पास यहाँ भी काफ़ी अच्छी होगी, ऊपर भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ये जो डाइनिंग एरिया है वो बहुत ही खास चीज़। और ठीक इसके साथ जो है इस तरफ आपको एक स्टोर मिल जाता है, हम इसे स्टोर कहें या पूजा रूम कहें आप जैसे इसे यूज़ करना चाहते हो, स्पेस आपकी है। और दोस्तों हम थोड़ा सा इस तरफ टर्न लेते हैं तो हमारे पास आती है हमारी एक खूबसूरत सी किचन, वाकई एक बड़ी प्यारी सी किचन है, हार्ट ऑफ द हाउस जिसे बोलते हैं। आप इसका फ्रेम ही देख लिए, एंट्रेंस जो है इसकी बहुत खूबसूरती के साथ बनाई गई है, ऊपर हल्के हल्के लैंप्स दिए गए हैं, एक अच्छी सी लाइट यहाँ पर नीचे की तरफ आती है। और जो एंट्रेंस है यार वाकई बड़ी लाजवाब सी एंट्रेंस है यार, दिल खुश कर देने वाली। और थोड़ा सा हम अंदर अंदर आते हैं, ये आपकी 11x9 की किचन रहेगी, लेकिन ट्रस्ट में जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है यार तो लगता ही नहीं है कि यार 11x9 की होगी, वाकई बहुत बड़ी सी लगती है। एक प्यारा सा आपका काउंटर टॉप आ जाता है वाइट कलर के अंदर, बहुत ही सॉफ्ट है, एक अच्छा सा मटेरियल आपको मिल जाता है यहाँ पर ऑक्टा के अंदर। और उसके अलावा जो आपकी टाइल है सामने वो बड़ी प्यारी सी है, आप लगाइए यहाँ पर आपका चिमनी लग जाएगी, ये सारा एरिया आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी लुक आने वाली है वो बड़ी डिफरेंस ही रहेगी। कैबिनेट्स हमें ऊपर सारे मिल जाएंगे, डबल लेमिनेशन के साथ होंगे। कॉर्नर विंडो भी हमारी पूरी अच्छे से बन जाएगी यहाँ पर, और जितनी भी है सारी आपकी जो डबल लेमिनेशन रहेगी यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई आधा काम हो। ड्रॉर्स में हमारे पास स्पेस पूरी होगी, इसके अलावा जितने ड्रॉर्स आपके साइड में भी यहाँ देखें ग्लास के साथ आपको फिनिश दी गई है, मतलब कि आपको जो लुक है हर तरह से एक अच्छी लुक दी है और काफ़ी हैवी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई हल्का मटेरियल दिया गया हो, एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ मिलती है। और ऐसे आपके जो काफ़ी सारे ड्रॉर्स हैं, स्पेस आपका स्टोरेज है काफ़ी अच्छी है। और ठीक इस तरह मेरे पास जो है आपका डबल सिंक काफ़ी डीप है और काफ़ी हैवी मटेरियल है, ऊपर सेरा की आपकी फिटिंग्स रहेंगी यहाँ पर एक अच्छे डिज़ाइन के साथ।
ये बहुत खास चीज़ है। सिर्फ ब्रांड होने से कोई बात नहीं होती, अगर अच्छा डिज़ाइन हो तो यार वाकई घर को चार चार लग जाते हैं। और इस तरफ आपके जो रहेंगी यूटेंसिल्स को आप धोकर यहाँ पर रख सकते हैं, सारे निचड़ कर इसके अंदर आ जाएगा तो आपके घर के किचन में आपका पानी पानी नहीं होगा सारी जगह पर। और ठीक यहाँ पर आपको जो है मिरर के साथ, सॉरी इस ग्लास के साथ आपको एक अच्छी सी फ्रिज की स्पेस मिल जाती है। डबल डोर जो आपका अलमीरा वाला फ्रिज है वो यहाँ पर आराम से आ जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी कॉम्पैक्ट सी किचन साइज डिज़ाइन की गई है और एक अच्छे एयर फ्लो के साथ, तो देखकर अच्छा लगता है कि यार काफ़ी अच्छा काम किया गया किचन के साथ। और दोस्तों ये वाला जो हमने एरिया देखा था, ये आपका इस तरफ से आपका 13 है और वहाँ से इस छोर से उस छोर तक आपका 29 रहेगा, तो ये स्पेस काफ़ी अच्छी है। स्पेस अच्छी होने का मतलब मेरा ये भी है क्योंकि आपके जो सारे रूम्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो जो एयर फ्लो है वो पूरे घर के अंदर बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसके अंदर आपकी स्टेयर्स हैं वो डबल रहेंगी। एक स्टेयर्स हमारे पास यहाँ पर है, एक हमने जैसे शुरुआत में बाहर देखी थी। तो ये घर कुछ ऐसा है कि आप इसको अगर जॉइंट फैमिली है तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी, तो उसके लिए भी ऊपर प्रोविजन है, वो हम ऊपर चल के देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, एक खूबसूरत सा बेडरूम। उससे पहले आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है हमारे बेडरूम का, अब देखिए हर जितने भी दरवाजे हैं सारे आपके 8 फीट के हाइट के रहेंगे और अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं ग्लास फिनिश के साथ। एक अच्छी लुक जो आपको है ना पूरे घर के अंदर हर जगह मिलेगी, यह ऐसा नहीं होगा कि यार आपको कोई आधी अधूरी चीज़ मिलेगी। सीलिंग पर डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आपके लैंप्स पूरे लगे हुए हैं यहाँ पर। और दोस्तों बता दूं यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह वो काम भी होने बाकी हैं क्योंकि अभी काम के चलते चलते हम बीच में आ गए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि आपको कुछ कस्टमाइजेशन करवानी है अपने हिसाब से, तो वो भी हम कर देते हैं। और ठीक यहाँ आपके बेड के सामने एक बड़ा सा आपका टीवी पैनल जो कि स्टोरेज के साथ है, आपके नीचे और ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरेज है सारी जगह पर। अच्छा डिज़ाइन दिया गया, बड़ा लाइट सा कलर है, आँखों में चुभता नहीं है, डार्क नहीं है कुछ, एक प्यारा सा कलर यहाँ पर दिया गया है। और ठीक इस तरफ हमारे पास जो है हमारा सारा का सारा ड्रेसिंग एरिया और एक बड़ी सी वार्डरोब जो कि आपकी स्लाइडिंग के साथ है। स्पेस आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी हर चीज़ अंदर आ जाएगी, किसी भी चीज़ को बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से नीचे तक। और ठीक इस तरफ जो है आपके पास वो आपका मिल जाता है लुकिंग मिरर, जी हाँ आपका ड्रेसिंग एरिया भी सारा इस तरफ आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आपके इस तरफ आया था एक आपका खूबसूरत सा वॉशरूम, और अगर मैं इसके टाइल्स की बात करूं तो यार बेहद शानदार से टाइल्स आपके 4-4 फीट की, जिनको देख के यार दिल से खुश हो जाता। देखिए बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ इस वॉशरूम को तैयार किया गया है, बड़ा सा वॉशरूम है, डिज़ाइन पूरा दिया गया है। आपकी जितनी भी टैप्स हैं या बाथरूम फिटिंग्स हैं वो सारी डिज़ाइनर रहेंगी। वॉल माउंट आपकी सीट रहेगी, पुश बटन आपका बिल्कुल जो है वॉल के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा जो आपकी सिंक है वो भी डिज़ाइनर रहेगा यहाँ पर। एक अच्छा डिज़ाइन पूरे घर के अंदर आपको हर जगह मिलेगा। और दोस्तों अभी मैं बता दूं आपको जो सामान अभी पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगा के हम सारा कुछ देंगे, तो फिटिंग्स आपकी बहुत जल्द हो जाएंगी, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो आप आओगे तो आपको चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट पूरी मिलेगी। और इस बेडरूम के साथ हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की आई थी जो कि 8 फीट की है, उसके ऊपर जो वायर्स आपको नज़र आ रही है आपकी एसी के वेंट्स हैं। तो ठीक हमारे पास ये जो दरवाज़ा हमारा बाहर की तरफ आता है जहाँ पर हमारा वॉशिंग एरिया है, और वॉशिंग एरिया की बात करूँ तो यार वाकई काफ़ी अच्छी स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। यार ईजिली आपके जो डबल टैप्स यहाँ पर लगाए हुए हैं फ्रेश, और आपके जो वाटर टैंक है वहाँ से कनेक्शन के साथ पावर पॉइंट आपको मिल जाता है, आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन यहाँ पर आराम से लग जाएगी। और वॉशिंग ही नहीं यार क्लोथिंग भी आप करना चाहते तो काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, और क्योंकि स्पेस अच्छी है तो आपका घर में आपको वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब अगर हम बाहर एसी के यूनिट्स लगाते हैं तो हमारे रूम्स जो हैं वो अच्छे से पूरी कूलिंग करते हैं, तो ये बड़ी एक खास चीज़ रहती है हमारे घर के अंदर। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास जो है 2 बेडरूम रहेंगे, और दोस्तों पहले की तरह हमारा ये सेकंड बेडरूम ये भी बड़ा खास है, बहुत शानदार सा बेडरूम है। नीचे हमारे पास जितनी भी है टाइल्स रहेंगी वेट्रीफाइड टाइल्स और खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ, जिनको देख के ही ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो है सीधे इटालियन मार्बल लगा होता है। दोस्तों बेडरूम जो हमारे दोनों वो 13x12 के रहने वाले हैं यहाँ पर। वॉल के ऊपर आपका पूरा एक खूबसूरत सा वॉलपेपर आ जाएगा आपकी पसंद का,
ठीक इस तरफ आपकी जो है अलमीरा आ जाएगी और पूरी ऊपर तक की हाइट है, बड़ी सी अलमीरा है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। और ठीक मेरे इस तरफ जो है आपके अलमीरा के साथ मैचिंग आपका जो है टीवी पैनल आ जाएगा। आप बड़े से बड़ा टीवी लगाएं अपने बेड के सामने और मज़े लें अपने चैनल्स का, फेवरेट चैनल्स का अपने रूम के अंदर। और जो सीलिंग है यहाँ पर बड़ा अच्छा डिज़ाइन, दोस्तों हर बेडरूम के अंदर जो सीलिंग है हर रूम के अंदर डिफरेंट आपको मिलती है। और देखिए वुडन यहाँ पर यूज़ की गई है, सिर्फ कलर या पेंटिंग नहीं है आपकी, एक्चुअल में वुड आपको यूज़ की गई है। तो इसका एक अलग ही तरीका होता है लगाने का, एक अच्छी चीज़ होती है, सालों साल लगती है तो अच्छी लगती है। और इस तरफ आपका जो है ड्रेसिंग, जी हाँ वो भी वॉल हैंगिंग, बहुत ही अच्छा तरीका, एक इससे आपकी स्पेस जो होती है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। यहाँ भी हमारे पास खिड़की और दरवाज़ा मिलेगा हमारे बाहर की तरफ जाने के लिए आपके वॉशिंग मशीन के पास। और इस बेडरूम के साथ भी हमारा जो वॉशरूम रहेगा वो अटैच रहेगा, काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ आपको वॉशरूम ये मिल जाता है। और डिज़ाइन जो है वो बेहतरीन, बिल्कुल आपकी जो टाइल्स हैं वो पूरी सीलिंग की हाइट तक जाती हैं और बड़े अच्छे ही कलर्स के साथ हैं, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको टाइल्स के साथ मैचिंग आपको जो है ऑलमोस्ट आपका वो सिंक मिल जाता है, तो यार वाकई लुक इसकी बदल जाती है बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड बेडरूम और इसके साथ फिर से हम आते हैं अपने डाइनिंग एरिया में जो कि बड़ा ही खूबसूरत सा है, सीलिंग पर बड़ा अच्छा काम किया है। और दोस्तों हमारे साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ जो कि हमारी इंटरनल स्टेज है, यहाँ से चलेंगे। स्टेज पे सारा आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा कलर है, और साथ में आपकी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो है बीच में ग्लास फिनिश आपको मिल जाएगी। अब बता दो यहाँ पर ऊपर भी जो आप सीलिंग के डिज़ाइन देखेंगे वो बड़े डिफरेंट है, वुडन काम जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके के साथ किया गया है, जो देखकर यह वाकई दिल खुश हो जाता है कि हाँ यह चीज लगी है एक अलग तरीके के साथ। और फर्स्ट फ्लोर पर भी हमारे पास जो है एक बड़ी अच्छी सी लॉबी हमें यहाँ पर मिल जाती है, खुली डुली सी सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा काम हमें पूरा मिलता है। ठीक यहाँ पर हमारे पास एक किचन हमारा ओपन आ जाता है ऊपर, जैसे हमारे पास नीचे कवर्ड था तो ऊपर ओपन है, तो साइज़ हमारा किचन का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत बड़ा होता है किचन। सेम हमारा 9x11 का किचन रहेगा और इस तरफ हमारा पूजा रूम या स्टोर, आप जैसे भी इसको डिज़ाइन चाहते हैं। और दोस्तों इसके साथ हमारा जो है फर्स्ट बेडरूम इस फ्लोर पर एक अच्छे साइज के साथ, सेम जैसे हमने नीचे देखा था वैसा ही ऊपर भी है। हमारे पास यहाँ पर जो कलर्स है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। आपकी सीलिंग पर डिज़ाइन बड़ा प्यारा सा है, फ्लोरिंग तो आपके नीचे से ऊपर तक यार हर जगह बिल्कुल अलग है। एक अच्छी सी वार्डरोब्स आपको पूरी मिल जाती हैं स्लाइडर्स के साथ, पूरी सीलिंग की हाइट तक की हैं। और ठीक इससे मिलती जुलती आपकी जो है पैनल, आपका जो टीवी पैनल है वो भी डिजाइनर पूरा। एक बहुत ही अच्छी लुक आती है आपके घर के अंदर, एक बड़ी सी खिड़की जहां से सारा दिन आपको नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर बता दूं, अगर आपको ये दीवार अभी सोनी सोनी लग रही है तो यहां पर आपका वॉलपेपर लग जाएगा, तो उसकी अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी चॉइस का लगेगा क्योंकि आपका अपना घर है। और वॉशरूम जो हमारा रहेगा वो अटैच रहेगा आपका यहाँ पर। बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ हर चीज हमें यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों ओपन करते हैं यहाँ से बैकयार्ड हमारा जो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है, काफी अच्छी स्पेस है यहाँ पर मैं बालकनी क्या बोलूँ यार, आपके पास यहाँ पर एक अच्छा सा वॉशिंग एरिया है, इजीली आप इसको जैसे यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपकी फ्रंट लोड यहाँ पर भी पूरी आएगी, पूरी वॉशिंग वाला काम यहाँ पूरा होगा। और यहाँ वेंटिलेशन आप ऊपर देख के समझ सकते हो कितनी अच्छी वेंटिलेशन है, अगर आप यहाँ पर ए सीज आपके लगते हैं तो यार बड़ी अच्छी इफेक्टिव कूलिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि सारा इन्वायरमेंट ही ओपन है यार, आसपास के घर बने हुए हैं सारे, लेकिन ओपन सा माहौल है यहाँ पर,
किसी का ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कवर्ड कर दिया और अंदर आने के लिए हवा ही नहीं है। दोस्त के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों अगेन हमारा ये वाला बेडरूम भी बहुत ही खास, एक शानदार सा डिज़ाइन। देखिए हर बेडरूम के अंदर जो आपके वार्डरोब्स हैं वो डिफरेंट है, आपके सीलिंग है वो बड़ी डिफरेंट है, वॉशरूम के अंदर टाइल्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है। तो यार हर रूम के अंदर जो है ना एक थीम के साथ चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके ग्रे वाइट की थीम है, सेम आपका ग्रे वाइट जो है आपको इस टीवी पैनल पर मिलेगा, सेम ग्रे वाइट जो है आपको पीछे इस तरफ आपका जो है लुकिंग मिरर, आपका ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम वॉलपेपर लगाते तो ये भी कुछ मिलता जुलता सा, एक अच्छा पूरा जो होता है इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है इस चीज़ का, लुक ही बड़ी अच्छी आ जाती है यार घर के अंदर। और सेम ऐसे ही हमारे जो वॉशरूम होगा यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, पूरी सीलिंग की हाइट तक आपको टाइल्स यहाँ पर भी मिलती है, एक अच्छा डिज़ाइन के साथ सारी आपको टाइल्स यहाँ पर नजर आती है, डिफरेंट डिजाइन्स हर जगह पर रहेंगे आपके। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सेकंड, अपने फिफ्थ बेडरूम की तरफ। यार ऊपर और नीचे और आपके हर रूम जो है एक अच्छे लॉबी के साथ कनेक्टेड है, ये एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है यार। आप गर्मियों में हो, सर्दियों में किसी वक्त भी हो, आपको यहाँ पर ऐसा फील ही नहीं होगा कभी भी कि यार कंजेशन है अंदर थोड़ी सी या कुछ ऐसा वैसा, कभी भी नहीं। ये एक वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्तों ये हमारे जो घर का है फिफ्थ बेडरूम, काफ़ी अच्छा साइज आपको यहाँ पर भी पूरा मिलता है, या 13-11 का हमें साइज़ यहाँ पूरा मिलता है। और 13-11 का साइज़ जो है वो सिर्फ हमारा है, यहाँ पर वार्डरोब आपकी जो रहेगी वो अलग से रहेगी, तो यहाँ पर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि 13-11 में आपका जो है कुछ और बीच में आ गया हो। देखिए वार्डरोब आपकी साइड पे कर दी गई है और ये रूम सिर्फ आपके बेड लगाने के लिए और आपके अपने लिए। खास चीज हमारे पास यहाँ पर भी जो है एक दरवाजा मिलता है, उसके साथ एल शेप की विंडो आ जाती है। यार बाहर की लुक यहां से भी लो ना तो बहुत ही अच्छी लुक नजर आती है यहाँ पे। पार्क फेसिंग का यार मजा हो ना तो ऐसे घर पे होना चाहिए, एक अलग ही लुक आती है आपकी हर जगह पर। और दोस्तों इस तरफ हमारा अटैच वॉशरूम, ये टाइल्स की कलर जो है हर जगह काफी अच्छे रखे, एक प्रीमियम चीज जो है ना हर जगह देखने को मिलती है इस घर के अंदर। फिर हम चाहते हैं कि आपके लिए जो घर बनाए वो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो, और आपको ना कभी ऐसा ना लगे कि यार सालों साल के बाद अगर आप 20 साल के बाद भी आप अपने घर को देखते हो तो कभी ऐसा फील ना हो कि यार आज हमारा घर पुराना हो गया, आपको तब भी आसपास के घर देखकर यही लगेगा कि यार आप अभी भी अपडेट हैं और अभी भी एक शानदार डिज़ाइन के साथ है। और दोस्तों यहाँ से हमारी नीचे की एंट्रेंस, नीचे की तरफ जाने का रास्ता, या नीचे से हम ऊपर आते हैं तो तब भी हमारे पास यही एंट्रेंस रहती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाएगा आपके दरवाज़ों का भी। और बालकनी आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी मिलती है, देखिए यहाँ पर भी सीलिंग पर बहुत अच्छे लैंप्स आपके लगे हैं, एक अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ मिल जाता है। स्टेज दोस्तों आपकी इस पूरी ऊपर मॉम्टी तक जाती हैं, रूफ ऊपर खाली है, मॉम्टी पर सिर्फ बनी हुई है। और यहाँ पर एक आपका बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो पीवीसी के साथ बना हुआ है, और सीलिंग पर जो आपका वुडन पैटर्न दिया है एंगल के साथ, ये तो इसकी घर की यार लुक्स जो बिल्कुल अलग ही बदल देता है। और जो चीजें इसके अंदर लगी है वो ऐसी लगी है कि आपको बार बार बदलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सालों साल चलेंगी, आपने सिर्फ एक बार खर्चा किया अपने घर के ऊपर, बार बार नहीं करेंगे आप, ये लाइफ लॉन्ग चीजें हैं। जो यहाँ से पार्क का नज़ारा है, अब मुझे इतना पता है यार ये पार्क आपको ना रोज़ इंसिस्ट करेगा कि आप घर से निकलो, इस पार्क के 2-4 चक्कर लगाओ, आपके घर के सामने पार्क है तो फ्रेश एयर तो है ही है, आपको फिट भी ये पूरा रखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 200 गज का घर जो कि पार्क फेसिंग है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, डेवलप्ड एरिया के अंदर, सेक्टर 125 मोहाली के अंदर।
हाईवे से महज आपका 1 किलोमीटर की दूरी रहेगी और एक अच्छे साइज़ के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ पूरा घर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 30x60 की हमारी डायमेंशन रहेंगी। और दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सुझाव है हमारे लिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस घर को देखना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं कभी भी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं या कभी भी मिल सकते हैं। और एक चीज़ और बोल दूँ मैं दोस्तों, कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप फ़ोन करते हैं हम उठा नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए, आपको कॉल बैक ज़रूर आएगी, चाहे कुछ देर के बाद ही आए। तो दोस्तों, इस वादे के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि आपको मैं फिर मिलूँगा एक नए घर, एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।